हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग FYIT की नेक्स्ट प्रैक्टिकल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के पर डिस्कस करेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है क्या? सपोज आपके पास कोई इवेंट ई है जिसको आप एम डिफरेंट वे से कर रहे हो, और कोई इवेंट आपके पास एफ है जिसको आप एन डिफरेंट वे से कर रहे हो, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स इन द गिवेन ऑर्डर वो आपके पास होगा एम क्रॉस एन वे। ठीक है, अच्छा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो आपके पास कोई फाइव पेन है और थ्री पेंसिल्स है, ठीक है, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन पेन एंड वन पेंसिल एट अ टाइम। आपको एक पेन सिलेक्ट करना है और एक पेंसिल सिलेक्ट करना है। आपके पास है कितना? फाइव पेन्स है और थ्री पेंसिल्स है, उसमें से आपको एक पेन और एक पेंसिल सिलेक्ट करना है। तो कितने वे से डन होगा? तो वे टू सिलेक्ट वन पेन एंड वन पेंसिल। सबसे पहले नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेन, आप कितने वे से पेन को सिलेक्ट कर सकते हो? पांच पेन है तो आपके पास फाइव वे है। और नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेंसिल, आप कितने वे से पेंसिल को सिलेक्ट कर सकते हो? तो आपके पास यहाँ पे थ्री वे है। तो फाइव इंटू थ्री अगर हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो आपको ये 15 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये इन जनरल कोड है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए। ऑपरेशन ए आपका जो भी नंबर हो, ऑपरेशन बी जो भी नंबर हो, और फिर आपको उनको प्रोडक्ट कर देना है। आपको प्रोडक्ट करना है और आउटपुट में आपको क्या डिस्प्ले कराना है आप वो डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला क्या था? नंबर ऑफ पेन मेरे पास कितने थे? थ्री। और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने थे मेरे पास? फोर थे। ठीक है, तो टोटल आउटकम मेरे पास कितना आएगा? नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल। पहले यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पेन पेन मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने मुझे जो डिस्प्ले कराना था वो मैंने डिस्प्ले कराया। टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेन एंड वन पेन एंड वन पेंसिल, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव किया, एक्सिक्यूट किया। सेव आप किसी भी नाम से कर दो इसको, ठीक है। आप सेव करने के बाद आप इसको एक्सिक्यूट करो। एक्सिक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे इसका कोड देखो, यहाँ पे मैं 12 किया तो दो बार आ गया टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेन एंड पेंसिल। उसी तरह से आप कोई भी इन जनरल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले पहला वेरिएबल डिफाइन करना है, फिर तो दूसरा वेरिएबल डिफाइन करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप उसी चीज को डिस्प्ले करा दो। ठीक है, ये था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, जिसमें हम दो जितने इवेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से एन मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आप एन ऑपरेटर्स को डिफाइन करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी। हम आपके साथ नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलते हैं।